हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी टू लर्निंग। मायसेल्फ देवन कटारिया एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटर। बेटा, आई वेलकम यू ऑल टू द क्विक रिवीजन प्रोग्राम। बेटा, जिसमें मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट लेकर के चल रहा हूँ, राइट? देखो, हमने बेटा कई सारे वीडियोस अपलोड कर दिए, SHM कर दिया है, वेव्स कर दिया है, काइनामेटिक्स कर दिया है, वेक्टर्स कर दिया है, डिफरेंशिएशन कर दिया है। बट बेटा, पर्सनली अगर मैं बोलूं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज, और मैं बोलूं कि ये जो सीरीज हम चला रहे हैं, जो चैप्टर में लेकर के चल रहा हूं, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं बात कर रहा हूं बेटा ऑप्टिक्स की, राइट? इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और इजी क्वेश्चंस आते हैं, राइट? इट्स एन इजी चैप्टर, थोड़ा लेंथी है बट इट्स एन इजी चैप्टर, राइट? तो बेटा, हमें ये इंश्योर करना है कि हम एक भी क्वेश्चन इसका, जो कुछ भी एग्जाम में आएगा, किसी हाल में गलत नहीं होने देंगे, ठीक है? पार्ट वन बेटा इस वीडियो का, इस चैप्टर का ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है, प्लीज गो बैक टू द प्लेलिस्ट, एक बार बेटा उस पार्ट को देख लो। इट विल बी इजी फॉर यू टू कनेक्ट कि मैंने पहले क्या पढ़ाया था, अब क्या पढ़ा रहा हूं और आगे क्या पढ़ा रहा हूं। पूरे चैप्टर में एक बढ़िया सा लिंक बन जाएगा, आपको चैप्टर पढ़ के मजा आएगा बेटा, फिर क्वेश्चन भी इजी रिसॉल्व होंगे, राइट? तो अपने को वो काम पहले करना है, ठीक है? और एक बार देख लिया है, देन विल कंटिन्यू विद दिस ओनली, राइट? अच्छा, इसके अलावा बेटा मैं बता दूं, पार्ट वन में मैंने क्या क्या पढ़ाया था, बिल्कुल बेसिक से उठाया था। व्हाट इज लाइट, लाइट होती क्या है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, राइट? थ्योरेटिकल क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं, न्यूमेरिकल्स किस तरह से बन सकते हैं, वो बेसिक पार्ट वी हैव कवर्ड, राइट? अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा, हम बात करने जा रहे हैं पार्ट टू, जिसके अंदर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल क्या चीज होती है, करेक्ट? स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, राइट? उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, करेक्ट? तो वो सारी चीजें, प्लेन मिरर्स, फलाना ढिमका, सब कवर करेंगे, राइट? तो यू जस्ट स्टे विद मी, टेक आउट योर नोट्स कॉपीज लाइक ऑलवेज, जैसे आप हमेशा करते हो, अपनी नोट्स कॉपी निकालो बेटा और प्रॉपर नोट्स बनाओ आराम आराम से, ठीक है? इस चैप्टर को बेटा बिल्कुल लाइट मूड के साथ लेकर के चलना है, इसको अननेसेसरी दिमाग की प्रेशर नहीं बनाना है, ठीक है? तो बिल्कुल आराम से करेंगे, आराम आराम से लिखते जाएंगे, जो नहीं समझ आएगा वीडियो रिवाइंड करेंगे, दोबारा से देखेंगे, फिर भी नहीं समझ आता आप कमेंट बॉक्स में डालो, मैं उसका कुछ पॉसिबल सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा, राइट? तो यहीं पे बेटा ये वाला डिस्कशन खत्म करते हैं और क्लास के साथ स्टार्ट करते हैं, राइट? तो बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ, खुशी के साथ और एक क्या कहते हैं उसे, एक बढ़िया टेम्परामेंट के साथ, राइट? बहुत अपने ब्रेन को हाइपर एक्टिव स्टेट में ले जाकर के, लेकिन आराम से, ठीक है? ओके, चलो बेटा मैं स्टार्ट करता हूं क्लास के साथ। तो बेटा सबसे पहले है ना, आज की क्लास में बेटा जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, दैट इज कि ये भाई जो हम बात करते हैं ना, ऑब्जेक्ट इमेज ये होती क्या है, रियल ऑब्जेक्ट इमेज क्या होती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज क्या होती है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब जिसकी डायमेंशन जीरो, भाई पॉइंट नाम से पता चल रहा है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब एक पॉइंट जैसा ऑब्जेक्ट। बोले ठीक है सर, ये बात तो समझ आ गई। मैंने कहा ठीक है, ले लिया पॉइंट ऑब्जेक्ट। फिर आप बोलोगे सर अब क्या? मैंने कहा अब कुछ नहीं, अब आराम से अपन रेज बनाते हैं। मैंने क्या कहा था, आराम आराम से बनेंगे चैप्टर को, ठीक? तो हम क्या करेंगे बेटा, रेज बनाएंगे, रेज, ठीक? एक रे बेटा ऐसे गई और एक रे बेटा ऐसे गई। बोले ठीक है सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मैं तो कह ही रहा था, ये तो बिल्कुल आसान है। ये रे जब इससे टकराएगी बेटा, तो क्या ये टकराने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता भी है, यहां पर भी बेटा ये ऐसे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। बोले हाँ सर, अभी तक भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, वापस आ जाते हैं। अब देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है बेटा, ये अपनी इंसिडेंट रे थी, ये भी अपनी इंसिडेंट थी। इंसिडेंट रे का मतलब बेटा जो मिरर से टकराती है, उसके बाद टकराने के बाद जो भी रे जाती है उसे कहते हैं बेटा रिफ्लेक्टेड रे। उसे क्या कहते थे? रिफ्लेक्टेड रे। आई होप दिस इज क्लियर। बोले हां सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर के हमारे पास एक इंसिडेंट, फिर रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट, फिर रिफ्लेक्टेड, बात खत्म। देखो सुनते जाना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब मैंने क्या किया बेटा, अब मैंने क्या किया, इसको पीछे एक्सटेंड किया, इसको भी पीछे एक्सटेंड किया, कहीं ना कहीं जाके तो इंटरसेक्ट करेंगे। बोले हाँ सर करेंगे। मैंने कहा ठीक, बट जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, वहां बनेगी इमेज। अब बोलोगे सर मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं बेटा, अपने पास दो तरह की रेज होती है, आराम से सुनना, एक इंसिडेंट, एक रिफ्लेक्टेड। बेटा जो कुछ भी इंसिडेंट रेज के इंटरसेक्शन से बनता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो कुछ भी रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन से बनता है वो इमेज होता है। अब बोले सर मतलब एक बार लिख दो जरा। मैंने कहा बिल्कुल, देखो मैंने क्या कहा, इंसिडेंट रे के इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन खुद से लिख लो, से आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, और रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन से आपको इमेज मिलता है। बोले हाँ सर अब समझ आ रहा है।
मतलब जहां पर भी इंसिडेंट रे अगर इंटरसेक्ट कर रही है मतलब वो ऑब्जेक्ट है, और अगर रिफ्लेक्टेड रेज कर रही है मतलब वो इमेज है। बोले ठीक, दिमाग में बैठ गया, बहुत बढ़िया किया। अब देखो जरा, जो कुछ भी काम एक्चुअल में होता है, एक्चुअल बोले तो रियल में होता है, उसे रियल बोलते हैं। जो काम रियल में नहीं होता, रेज को एक्सटेंड करने के बाद होता है, उसे हम वर्चुअल कह देंगे, क्योंकि रियल में नहीं हो रहा है वो। बोले सर मतलब देखो सर, मतलब ये कि ये जो पॉइंट है बेटा ऑब्जेक्ट, ये इंसिडेंट रे तो एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर गई ना, इसलिए बेटा ये ऑब्जेक्ट हमारा कैसा हो गया? बोले सर रियल हो गया ये तो, क्योंकि ये तो एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर गया। मैंने कहा बिल्कुल सही जवाब बेटा। उसी तरह से बेटा अगर इमेज को देखोगे, ये एक्चुअल में कहां इंटरसेक्ट कर रही है, तो कर ही नहीं रही ना। देखो ये वहां भाग जा रही है, ये यहां भाग जा रही है, कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन जब इनको हमने पीछे खींचा तो खींचने पर यह इंटरसेक्ट कर गई। मतलब ये कि ए इंटरसेक्शन से तो बना है, लेकिन एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बना है, इमेजिनरी इंटरसेक्शन से बना है, वर्चुअल इंटरसेक्शन से बना है। इसीलिए बेटा इस आई की अगर बात करते हैं तो दिस आई इज एक्चुअली वर्चुअल। डू यू गेट द पॉइंट बेटा? ये कैसा है? वर्चुअल। आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल भी है और थोड़ा सा अच्छा भी चीज है। मैंने कहा मैं तो कह ही रहा था आपको ये इंटरेस्टिंग चीज है। करेक्ट, ये सुनने में बड़ा आसान है, लेकिन मैं बता रहा हूं फिर भी बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन होते हैं, अननेसेसरी छोटे छोटे कंफ्यूजन, आपको नहीं होना चाहिए। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, ऑब्जेक्ट किससे बनेगा? इंसिडेंट रे के इंटरसेक्शन से। इमेज किससे बनेगा? रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन से। जो एक्चुअल में हो रहा है वो रियल, जो एक्चुअल में नहीं हो रहा है वो वर्चुअल। बोले सर यहां तक हमको एकदम बढ़िया समझ आ गया। ठीक, अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है? उसमें क्वेश्चन भी छुपा हुआ है बेटा, क्वेश्चन भी छुपा हुआ है थ्योरेटिकली। आपसे मैं पूछूंगा फिर आप बताना है, ठीक है? देखो जरा, मैं क्या करता हूं, फिर से रेज लेता हूं, ठीक है? अब की बार बेटा मैंने कुछ ऐसी रेज ली, एक रे ऐसे ले ली और एक रे ऐसे ले ली। बोले ठीक है सर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रे बेटा रिफ्लेक्ट होके यहां कहीं आएगी और ये रिफ्लेक्ट होके यहां कहीं आएगी। बोले हाँ सर यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दिक्कत नहीं है का मतलब ये हुआ बेटा, अगर आपने ध्यान से देखोगे तो ये आपकी इंसिडेंट, सॉरी, ये आपकी बेटा इंसिडेंट रे, ये आपकी इंसिडेंट रे, ये यहां से क्या हुई बेटा? रिफ्लेक्ट हुई। ये यहां से क्या हुई? रिफ्लेक्ट हुई। तो मतलब कुल मिलाकर के इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से समझना बेटा, ध्यान से देखोगे तो यहां पे क्या रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है? बोले हाँ सर कर रही है। और कौन सी रे कर रही है? रिफ्लेक्टेड कर रही है। बोले कौन सी सर? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे जब इंटरसेक्ट करती है तो क्या बनता है? बोले सर इमेज बनता है। आपने लिखा हुआ है रिफ्लेक्टेड रे से क्या बनता है? इमेज बनता है। और ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है। अरे भाई एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है मतलब ये क्या हुआ? अरे ये तो रियल हो गया, रियल। बोले हाँ सर ये रियल हो गया, अब समझ आ गया। मैंने कहा अब आप बताओ मुझे बेटा, अगर समझ आ गया तो इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे। बोले हाँ सर करेंगे। बोले जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर क्या ऑब्जेक्ट मिलेगा? बोलेगा हाँ सर मिलेगा, क्योंकि आपने लिखा है इंसिडेंट रे के इंटरसेक्शन से क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्या ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है? बोले नहीं सर। तो फिर क्या कर रही है? ये तो एक्सटेंड करने पे कर रही है, वर्चुअली कर रही है, इसलिए ये हो गया वर्चुअल। बोले सर अब हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि रियल ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन सा है, रियल इमेज कौन सा है और वर्चुअल इमेज कौन सा है। आई एम श्योर बेटा ये टॉपिक आपको 100% क्लियर होगा। करेक्ट। अब देखो मैंने कहा था ना एक क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा? आप बोलोगे यस। देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। बोले हाँ सर ये बात तो सही है। मतलब लिख देते हैं कि अगर कभी हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ तो बेटा इसकी रियल इमेज पॉसिबल है। आप बोलोगे सर कोई रियल लाइफ एग्जांपल बता सकते हो क्या? मैंने कहा बिल्कुल, प्रोजेक्टर। अगर आपने कभी देखा हो तो बेटा प्रोजेक्टर से जो कुछ भी बनता है वो क्या बनती है? रियल इमेज बनती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। या फिर लेजर शो अगर आपने कभी देखा हो तो बेटा वो भी पार्ट रहता है, राइट? तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर बेटा, है ना? इसके अलावा देखो इस पे और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। आपसे बोलेगा कि सर ये बताओ क्या वर्चुअल इमेज की फोटो खींची जा सकती है? मैंने क्या पूछा? वर्चुअल इमेज की फोटो खींची जा सकती है क्या? भाई ये इमेज कैसी है? वर्चुअल, यानी कि मिरर में अगर आप अपने आप को देखते हो तो आप कौन सी इमेज देख रहे हो? बोले सर वर्चुअल देख रहे हम तो। अब वर्चुअल की बेटा क्या आप फोटो खींचते हो कि नहीं खींचते? कितनी बार सेल्फी ले लेते हो मिरर के सामने, या मिरर के सामने फोटो खींची कि उसकी फिर कहीं कहीं इधर उधर अपलोड कर दी? करते हो कि नहीं करते? बोले हाँ सर ये काम तो रोज करते हैं, खूब करते हैं। मैंने कहा बंद करो बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो थोड़ा सा, है ना? ये सब काम बाद में करना है, अभी नहीं है टाइम अपने पास, एग्जाम आ रहा है, समझ गए? हल्के मत लेना है, ठीक है? तो मैं कह रहा था, क्या बोल रहा था मैं, हाँ मैं कह रहा था कि वर्चुअल जो इमेज बनती है बेटा उसकी अपन फोटोग्राफ लेते हैं, रोज लेते हैं, लेनी नहीं है लेकिन लेते हैं,
ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई क्या वर्चुअल इमेज की फोटोग्राफ ली जा सकती है, आप बोलोगे यस ली जा सकती है, कोई दिक्कत, ऐसे क्वेश्चन आता है। आपको बोलो पूछ सकता है कि भाई क्या वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ले सकता हूं, अरे कैसे लोगे, मिरर के पीछे स्क्रीन लगाओगे तो कुछ दिखेगा, अरे सर कुछ नहीं दिखेगा, कुछ है ही नहीं उसके पीछे, करेक्ट। तो वर्चुअल इमेज की बेटा कभी भी स्क्रीन पे नहीं ला सकते। तो ये दो तीन थियोरेटिकल क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि बहुत कन्वेंशनली पूछे जाते हैं, तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया। बेटा देखो जितना मैक्सिमम मैं बता सकता था ना ऑब्जेक्ट इमेज रिलेटेड, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, राइट। सो व्हाट यू डू इज, अब आप इसको आराम से कॉपी कर लो, वीडियो पॉज करके मैं एक बार स्पेस दे देता हूं आपको, प्लीज कॉपी इट डाउन, करेक्ट। और मैं अगले पार्ट पे जा रहा हूं, ठीक। आप वीडियो पॉज करके अच्छे से समझ लो, नोट्स बना लो बेटा, फिर ही आगे बढ़ना प्लीज, है ना। तभी देखो ये मेहनत काम आएगी, आपकी भी और मेरी भी, राइट। जब प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, उसको प्रॉपरली रिवाइज करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो प्लीज बेटा प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, है ना, दोनों की मेहनत काम आनी चाहिए। बोले सर आएगी 100% आएगी, आई नो आप बोल रहे हो ऐसा, मैं सब मान रहा हूं कि आप बोल रहे हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब देखो आगे कहां बढ़ गए, ठीक है बेटा। अब हम बात करने जा रहे हैं अगले पार्ट की, राइट। तो अगले पार्ट की जो बात करने जा रहे हैं बेटा, है ना, आराम से सुनना। अगला पार्ट हमारे पास है, ये बेसिकली ना प्लेन मिरर का पॉइंट ऑब्जेक्ट इमेज हमने देख लिया, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम बात करेंगे बेटा कि इसी के अंदर है ना, ध्यान से सुनना, ठीक है, इसी के अंदर व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ मिरर टू सी कंप्लीट इमेज। एक्चुअल में ये एक कन्वेंशनल क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन क्यों लिया है बताता हूं। एक कारण तो ये कि ये क्वेश्चन आता है, कई बार किताबों में दे रखा है, तो बच्चों को थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि कैसे, और इसमें भी दो पार्ट है तो वो दोनों में डिस्कस करना चाह रहा था। तीसरा मैं ये भी डिस्कस करना चाह रहा था बेटा कि एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है बाय प्लेन मिरर। पॉइंट ऑब्जेक्ट की तो समझ आ गई, करेक्ट, कि भाई रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन से बनती है, तो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट की कैसे बनती है मैं वो भी डिस्कस करना चाह रहा था। सो दैट वॉज द रीजन आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल। बोले ठीक है सर, हम आपको, आपका बात समझ आ गया, अब आप बता दो इसका सोल्यूशन। अगर ठीक, पहले क्वेश्चन समझो, बिल्कुल आराम से समझना, देखो मैं बिल्कुल आराम आराम से बात कर रहा हूं, आराम आराम। तो आपके पास बेटा ये एक ऑब्जेक्ट था, बोले ठीक है सर, एक कमरे में था, ये कमरे में, ठीक है सर, करेक्ट। एक पार्ट में बताऊंगा, दो पार्ट में बताऊंगा, एक आपको भी दूंगा होमवर्क के लिए। ये कमरे में बैठा हुआ है, अपने खड़ा हुआ है, इसने बोला कि भाई मैं सामने अगर एक मिरर लगा दूं, ठीक, कि सामने अगर एक मिरर लगा दूं तो कम से कम मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, साइज कितनी होनी चाहिए कि भाई मेरे को मेरी खुद की पूरी इमेज दिख जाए, ये बोलना चाह रहा है। मैंने कहा ठीक है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको देखो करने का तरीका क्या होता, आराम से सुनना। सबसे पहले तो इसकी इमेज बनाओ। अब उसे इमेज कैसे बनाए मैं बताता हूं। ये एक पॉइंट दिख रहा है, बोले हाँ सर दिख रहा है, कलर चेंज करके दिखाता हूं। देखो ये एक पॉइंट दिख रहा है, ये एक पॉइंट दिख रहा है, इन दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट की तो इमेज बना सकते हैं। इसकी इमेज एग्जैक्टली सामने यहां पॉइंट पे मिल गई, इसकी इमेज एग्जैक्टली सामने यहां मिल गई। बोले हाँ सर ये तो समझ आ गया। मैंने कहा इसको पूरे को जोड़ दो, इसको पूरे को जोड़ दो, आपको एग्जैक्ट इमेज मिल जाएगी। मतलब यूनिफॉर्म बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मानो और हर पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बना दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, एग्जैक्ट इमेज। बहुत ज्यादा टाइम खराब मत करना बेटा इसके ऊपर, है ना, इस सबको पता है कि इसकी इमेज ऐसे कैसे बन जाएगी। हमारा सवाल है कितना मिनिमम साइज का मिरर चाहिए, सुनते जाना। तो हमने क्या किया भाई, साइज ऑफ द इमेज चाहिए थी ना, तो मैंने क्या किया, मेरे को जो तरीका समझ आता है मैं सबसे पहले क्या करता हूं, जिसे देखना है वहां से बेटा हर पार्ट से एक रे कहां तक पहुंचा देता हूं मैं, उसकी आंख तक पहुंचा देता हूं। बोले सर आंख तक पहुंचा देता हूं, मैंने कहा यहां पे इसकी आंख है, ये इसकी आंख, ये इसका स्माइल है, अरे ऐसे समझ लो एक आंख बंद कर रखी, तो ये आंख है, यहां से बेटा एक रे आई, यहां से बेटा एक रे आई, सबसे ऊंचे से लेकर सबसे नीचे तक, मतलब अभी इसका हर पार्ट इसको दिखाई देगा। बोले हाँ सर ये बात तो सही है। मतलब अगर मैं इतना पार्ट, ध्यान से सुनना बेटा, यानी कि अगर मैं इतना पार्ट कंसीडर कर लूं मिरर का, तो ये मिरर सफिशिएंट है इसकी पूरी इमेज को देखने के लिए। बोले हाँ सर ये तो बहुत आसान है, मैं तो कह ही रहा था, सुनते जाना। इस मिरर की हाइट बेटा मुझे नहीं पता वाई बोलते, इस आदमी की हाइट बेटा हमें दे रखी होगी कितनी, स्मॉल एच। इसके अलावा देखो हमें और क्या क्या गिवन है, इसके अलावा बेटा हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता है कितना है, यू। हमें यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस पता है, करेक्ट, अभी लिख भी दूंगा मैं, और यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस पता है। बोले ठीक है सर आप लिख दो ना, जरा मैं लिखता हूं। यहां से यहां तक मैंने क्या मान लिया, यू। यहां से यहां तक भी मैंने क्या मान लिया, यू, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना इमेज डिस्टेंस। बोले हाँ सर ये हमें पता है। इसके बाद ये टोटल कितना हो जाएगा, बोले टू यू। बोले यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो जरा बेटा ये जो ट्राइंगल जैसा बन रहा है,
इसमें देखो दो ट्राइंगल्स अपने को दिखाई देंगे, ढंग से समझना बेटा। एक बेटा ये ट्राइंगल, ठीक, और बेटा दूसरा कौन सा दिखाई देगा, दूसरा ये ट्राइंगल। क्या बात समझ आती है? बोले हाँ सर बिल्कुल समझ आती है, इन दोनों ट्राइंगल में कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? बिल्कुल है। बोले सर अगर सिमिलर हैं तो फिर हम एक चीज लिख सकते हैं ना, क्या भाई, वाई बाय एच मतलब बेस अपॉन बेस शुड बी इक्वल टू, बेटा जो कुछ भी इसका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना है यू छोटे वाले ट्राइंगल का, बड़े वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कितना है टू यू, यानी कि दिस शुड बी इक्वल टू बेटा यू डिवाइडेड बाय कितना टू यू, यू से यू काट दो वाई इक्वल टू कितना निकल के आ गया एच बाय टू। आई नो क्वेश्चन आसान है बेटा, पर मैं फिर भी थोड़ा आराम आराम से बता रहा हूं बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू टू मिस आउट एनीथिंग, दैट इज द ओनली रीजन, राइट। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया जो बिल्कुल ही हलवा है, एकदम ही ठोकर खाया हुआ सवाल, हर जगह ठोकर खाया है। तो y बराबर कितना आ गया h by 2, मतलब आदमी को अपनी पूरी इमेज देखने के लिए, यहां फंसता है बच्चा, यहां फंसता है बच्चा, पूरी इमेज देखने के लिए उसको कम से कम आधी साइज का मिरर चाहिए, यानी 6 फुट का आदमी है तो 3 फुट का मिरर चाहिए अगर पूरी इमेज देखनी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में डालता एक ट्विस्ट, बोलेगा आदमी की पूरी इमेज बनने के लिए कितने साइज का मिरर चाहिए। आप बोलोगे सर एनीथिंग ग्रेटर देन जीरो, मतलब अगर 0.0001 mm का भी मिरर है तो आदमी की पूरी इमेज ही बनेगी, दिखेगी नहीं उसको, दिखने के लिए कितना चाहिए होता है एच बाई टू। इसलिए मैंने सवाल उठाया क्योंकि मुझे पता है एक छोटा सा कैच। क्या इतनी बात समझ आती है? आप बोलोगे सर ऐसे कैसी बात कर रहे हो आप? मैंने कहा आप सोचो एक छोटा सा मिरर लेना, उस छोटे मिरर में अगर आप देखोगे ना आपकी पूरी इमेज बनती है, आपको दिखती नहीं है, नीचे होकर के देखोगे तो आपको पीछे का दिख जाएगा, ऊपर जाके देखोगे तो नीचे का दिख जाएगा, क्योंकि बन तो पूरा ही रहा है, दिख नहीं रहा था, दिख नहीं रहा था। आई होप दिस इज क्लियर। बोले हाँ सर कुछ कुछ क्लियर हो गया, एक बार समराइज कर दो। मैं कर देता हूं, मैं कर देता हूं। मैंने बस ये कहा आदमी को अपनी पूरी इमेज देखने के लिए हाफ साइज का मिरर चाहिए, और बनने के लिए कितना भी कर दो स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो, बस मिरर होना चाहिए, इमेज बनेगी बनेगी पूरी की पूरी। बोले सर अब क्लियर हो गया, हमने लिख लिया अपनी कॉपी में। मैंने कहा बढ़िया किया बेटा। इसके अलावा दूसरा एक और सवाल इसमें पूछता है आपसे, बोलेगा कि भाई ये बताओ कि जो मिरर का टॉप पॉइंट है ना इसे रखा कहां जाए। भाई आपने ये मिरर सेलेक्ट किया? मैंने कहा बिल्कुल किया, इसको रखा कहां जाए आराम से समझना। ये आदमी का टॉप दिखाई दे रहा है? बोले हाँ सर बिल्कुल हेड दिखाई दे रहा है। भाई ये इसकी आंखें दिखाई दे रही है, ये वाली हरी हरी गोल गोल? बोले हाँ सर दिखाई दे रही है। इस आंख और हेड के एग्जैक्टली बीच के अंदर, एग्जैक्टली बीच में ये आप देखोगे ना बेटा, ये बेसिक सिमिलैरिटी से ही पता चल रहा है, करेक्ट। तो ये जो पॉइंट आएगा बेटा, ये पॉइंट एक्चुअल में इसके हेड और आई के एग्जैक्टली बीच में आएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बेटा, समझ आई बात? तो इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि जो मिरर का टॉप पॉइंट है वो आईज और हेड के एग्जैक्टली बीच में होना चाहिए। तो ये 3 पार्ट छोटे सवाल पे थे बेटा, और ये मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। आप आराम से इसका सोल्यूशन कॉपी कर लो, अपनी लैंग्वेज में तीनों पॉइंट्स को लिख लो, करेक्ट। इमेज बनने के लिए स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो का साइज का मिरर, अगर आपको पूरी इमेज देखनी है हाफ साइज का मिरर, और प्लस उसे कहां रखना पड़ेगा, आंख और हेड, आंख और हेड के एग्जैक्टली बीच में। बोले सर अब क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप आगे बढ़ सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन दूंगा आपको एक सवाल, आप वीडियो पॉज करोगे, साथ के साथ क्वेश्चंस का आंसर निकालोगे और कमेंट बॉक्स में आंसर डालोगे। बेटा देखो इससे ना मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना, मुझे लगेगा कि हाँ यार बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है एकदम ढंग से, तरीके से, बिल्कुल तहजीब के साथ, इज्जत के साथ, है ना, तो एक मजा आएगा, मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा, राइट। तो आई होप यू विल डू दैट, आई नो सम ऑफ यू विल डू, आई नो, मैं जानता हूं इतना, ठीक है। तो वीडियो पॉज करना, इसका आंसर निकालना और कमेंट बॉक्स में डालना। क्वेश्चन में बताता हूं, क्वेश्चन ये है बेटा, ये सब तामझाम हटा दूं, जितना भी नहीं चाहिए सब लो, है ना, ये सब जो नीचे उसे हटा देते हैं, है ना। देखो बेटा, तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है अब की बार, है ना, ध्यान से सुनना बेटा, है ना। क्वेश्चन ये है कि इस आदमी के पीछे बेटा एक वॉल है, दिखाई दे रही है सबको? बोले हाँ सर दिखाई दे रही है, ये वॉल, इसके पीछे एक वॉल है, ये एक्चुअली पूरा रूम था बेटा, ये आदमी इस रूम के एकदम मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट समझिए, मिड पॉइंट पे। अब ये चाहता है कि इसके पीछे वाली जो वॉल है इसकी पूरी इमेज इसको दिखाई दे, मतलब मैं कमरे के बीच में जाके खड़ा हो जाता हूं, सामने लगा देता हूं मिरर, और पीछे वाली दीवार की पूरी इमेज देखना चाहता हूं, तो कितने साइज का मिरर होगा?
दिस इज द क्वेश्चन. मैं एक बार रिपीट कर देता हूं. फाइंड द साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड फॉर द मैन टू सी द कंप्लीट इमेज ऑफ द वॉल बिहाइंड हिम प्रोवाइडेड ही स्टैंडिंग इन मिड वे ऑफ द रूम. रूम के बीचों बीच खड़ा है और पूछ रहा है कि सामने कितने साइज का मिरर लगाऊं कि पीछे वाली दीवार की पूरी इमेज बन जाए. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, आंसर कमेंट बॉक्स में डालो बेटा, राइट, और फिर आगे बढ़ना. करेक्ट, मैं आगे बढ़ता हूं बेटा. चलो अब मैं बेटा एक इंटरेस्टिंग और इजी और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊं, दैट इज स्पीड. स्पीड किसकी? ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर. कि एक प्लेन मिरर से बेटा स्पीड ऑफ इमेज कैसे बनती है. देखो इसको ना सीधे क्वेश्चन की फॉर्म में लेंगे, अदरवाइज अपन बड़ा कॉम्प्लेक्स सा मतलब कंफ्यूज सा हो जाएंगे. ठीक है ना, तो आराम से पॉज ले लो, ब्रेक ले लो और दिमाग को एकदम स्टेबल स्टेट में लाओ, फिर से एनर्जी भर लो खुद में, राइट, तभी मजा आएगा, तभी ये टॉपिक क्लियर होगा. ठीक है, स्टार्ट करें. ओके बेटा देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास बेटा कुछ कुछ मिरर दे रखे थे. करेक्ट, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना, आराम से सुनना. देखो ऐसे लिख देता हूं यहां पे. ये अपने पास बेटा ऑब्जेक्ट है. बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये मिरर था. मैंने कहा ऑब्जेक्ट जो है ना वो इस तरफ कितनी स्पीड से जा रहा था, 2 मीटर पर सेकेंड. बोले ठीक है सर. ऑब्जेक्ट ऊपर कितने से जा रहा था, 3 मीटर पर सेकेंड. देखो मैं आराम आराम से लेके जाना चाहता हूँ, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 2 और 3. मैंने कहा इसकी मिरर की अगर बात करें तो देखो मिरर के पास क्या क्या दे रखा है. मिरर के पास दिया गया था कि मिरर इस तरफ जा रहा है और कितने से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड. बोले ठीक है सर. हमें क्या क्या बोला गया, देखो बेटा हमें बोला गया ऑब्जेक्ट इधर 2 से आ रहा है, ऊपर 3 से जा रहा है, मिरर 2 से इधर जा रहा है. हमें बताना है कि इमेज की स्पीड कितनी होगी. मतलब अपना क्वेश्चन क्या है बेटा, हमारा क्वेश्चन है फाइंड बेटा स्पीड ऑफ इमेज. लेकिन दो पार्ट में निकालना है बेटा. बोले सर दो पार्ट में? मैंने कहा यस. एक बार आपको बताना है बेटा विद रेस्पेक्ट टू मिरर, एक बार आपको बताना है बेटा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. करेक्ट, एक विद रेस्पेक्ट टू मिरर चाहिए और एक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए. बट ठीक सर, क्वेश्चन समझ आ गया हमको. आप सॉल्यूशन पे बात करते हैं, है ना. आप चाहो तो अपने लेवल पे ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके, बाकी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं. जिनको आता है वो वीडियो पॉज करके कर लो ट्राई, फट से आगे निकल जाना सॉल्यूशन देख के, राइट. देखो तो मैंने क्या किया बेटा, कहां गया कलर, ये वाला कलर लूंगा. ठीक, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया बेटा, आराम से सुनना. मैंने मिरर को स्टॉप किया, स्टॉप रोक दिया मिरर को. जैसे मिरर को रोका बेटा, इसके पास जो कुछ भी था ऑब्जेक्ट को ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा. बोले हाँ सर, ये आपने रिलेटिव मोशन में पढ़ाया था, मैंने डाला हुआ भी है रिलेटिव मोशन का वीडियो, नहीं देखा है तो देख लेना. ठीक है, रिलेटिव मोशन में हमेशा बेटा जब दो चीजें चलती है ना, किसी एक को रोक दो, उसके पास जो कुछ भी है उससे लो, ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरे को दे दो. अभी जो मैंने बोला आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तब समझ आएगा. वरना आपको जो तरीका ठीक लगे आप अपने तरीके से मिरर को, मिरर के रिलेटिव हम बात करना चाह रहे हैं, मतलब स्टॉप कर दिया. स्टॉप करने का मतलब क्या हुआ बेटा, विद रेस्पेक्ट टू मिरर. ठीक, तो मैंने कहा ऐसा करने पे इस ऑब्जेक्ट की खुद की 2 थी और मिरर की, देखो मिरर की 2 इस तरफ थी ना, इस तरफ स्टॉप किया, उल्टा करके ऑब्जेक्ट को दे दिया. तो कुल मिला के ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस में कितनी मिल गई, 4. वाई एक्सिस में इसके पास पहले से कितनी थी बेटा, 3. बोले ठीक है सर, यहां तक कोई डाउट नहीं है. अब तो मिरर रुका हुआ है, मिरर तो चल ही नहीं रहा. अगर मिरर नहीं चल रहा तो बेटा जितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाएगा उतनी स्पीड से तो इमेज भी पास आएगी ना. यानी यहां पे अगर बेटा ध्यान से देख लेंगे तो क्या इमेज इस तरफ 4 से आएगी. बोले हाँ सर आएगी, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है. मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, ऑब्जेक्ट जितनी स्पीड से जाएगा इमेज उतनी स्पीड से इसके पास आएगी. ऑब्जेक्ट 3 से ऊपर जा रहा है, अगर 3 से ऊपर जा रहा है तो बेटा क्या ये इमेज भी 3 से ऊपर जाएगी. बोले हाँ सर बिल्कुल जानी पड़ेगी. आप खुद सोचो कि अगर ऐसा हो जाए कि आप तो ऊपर जा रहे हो और इमेज वहीं की वहीं रह गई तो देखो कितना अजीब सा हो जाएगा. समझे बात को, इमेजिन करने में भी थोड़ा सा वैसा लग रहा है, हॉरर मूवी नहीं होती उसमें ऐसा हो रहा है, सोच रहे हो कि आप उड़ रहे हो और आपकी इमेज वहीं की वहीं, आप देख रहे हो भाई हो क्या रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. समझिए बेटा, 100% श्योर, पक्का. एक बात और बता दूं, अगर हैंडल कर पाओ तो बता देता हूं, मन करे तो समझना नहीं तो भूल जाना. कभी कभी मिरर को भी चला देता है एक्सिस पे, मिरर को चला देता है ऐसे, मिरर ऊपर जा रहा है और पूछेगा कि ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं खड़ा है, मिरर ऊपर जा रहा है, बताओ इमेज के साथ क्या होगा. करेक्ट, कई बच्चे आंसर देते कि सर मेरी इमेज भी ऊपर चली जाएगी. और तुम खुद सोचो, मिरर है, तुम हो, मिरर ऊपर गया और अगर इमेज ऊपर चली गई, समझ रहे क्या हो रहा है, बड़ा माहौल खराब हो जाएगा. तुम सोचो जरा सा कि मिरर के साथ साथ अगर इमेज ऊपर चली गई और तुम वहीं का वहीं हो, बड़ा अजीब सा हो जाएगा बेटा.
समझो आपको, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इमेज एग्जैक्टली वहीं की वहीं रहे, यानी कि अगर मिरर ऐसे ऐसे चलता भी है हमें कोई लेना देना नहीं है, ना ऑब्जेक्ट को ना इमेज को। समझे बात को? मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, मैंने कहा एक बार दोबारा देख लो अच्छे समझ आएगा, है ना, बढ़िया ध्यान रखना। अब आ जाते क्वेश्चन पे, मिरर को रोक दिया, रोकने के बाद इसको चार और तीन था, जो इसके चार था वैसा का वैसा इमेज, और तीन ऐसे कैसे? बोले सर यहां तक समझ आ गया, यानी क्या वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गई विद रिस्पेक्ट टू मिरर? बोले हाँ सर बिल्कुल आ गई, 3j cap 4 - i cap। मैं बोला क्या? बोले 3j cap और 4 - i cap। बोले ठीक है सर, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बहुत बढ़िया किया बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं सर, है ना। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा सेकेंड पार्ट की, है ना, ऐसे सोचते हैं सेकेंड पार्ट की। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बेटा, ठीक है, जो ये इमेज है, ठीक है, जो ये इमेज है इसकी स्पीड निकालेंगे, लेकिन ग्राउंड के फ्रेम में। अब बेटा ग्राउंड के फ्रेम में निकालने के लिए, ग्राउंड के फ्रेम में निकालने के लिए काम करो, यहां बना दो, बोले यहां से बना दो। ग्राउंड के फ्रेम में निकालने के लिए क्या बेटा मुझे मिरर को वापस से 2 m/s से चलाना पड़ेगा इधर? बोले हाँ सर बिल्कुल चलाना पड़ेगा। बोले क्यों चलाना पड़ेगा? क्योंकि मिरर 2 से चल रहा था ना ग्राउंड फ्रेम में, तो बार बार टच होता है ना, येलो येलो बन जाता है यार, ये बड़ा अजीब है। ठीक है बेटा, मिरर 2 से इधर चल रहा है क्योंकि ये दे रखा था, तो ग्राउंड फ्रेम के लिए वापस मिरर को 2 से चलाना पड़ेगा। बोले हाँ। ऑब्जेक्ट की अगर बात करेंगे तो ये 2 और ये 3। बेटा ग्राउंड फ्रेम में तो यही डेटा गिवन था ना? बोले हाँ सर। तो अब आप खुद सोचो बेटा, क्या इमेज को भी देखो, इमेज के पास यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 3 था, करेक्ट। तो जब आपने मिरर को 2 इधर दिया ग्राउंड फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए, तो बेटा इस इमेज को भी तो 2 और देना पड़ेगा। बोले सर एक बार और बताओ। मैंने कहा भाई जब मिरर रुका हुआ था, ये 4 से इधर ये 4 से इधर, ठीक, 3 से ऊपर 3 से ऊपर, जैसे ही मिरर चला, मिरर कैसे चला होगा, आपने 2 यहां ऐड कर दिया होगा वापस। बोले हाँ कर दिया 2, इसके अलावा 2 यहां भी ऐड किया, तभी तो देखो 4 - 2 2 आ गया इसका, ठीक है ना, 4 - 2 कितना आ गया, 2। उसी तरह से बेटा आपको इमेज को भी 2 देना पड़ेगा। अब जब इमेज को 2 दे दिया, 4 पहले से था 3 ऊपर से था, तो देखो अब की बार जो वेलोसिटी आएगी वो 3j cap, एंड बेटा 2 + 4 6 - i cap। समझे मेरी बात को? बोले हाँ सर अब समझ आ गया। मतलब कुल मिला के क्या हुआ कि जो स्पीड निकाली है, ये वाला जो पार्ट निकाला था बेटा, ये किसके रेस्पेक्ट में था? बेटा ये था विद रेस्पेक्ट टू मिरर। और बेटा ये जो पार्ट निकाला, ये क्या था? बेटा ये था विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझे बात को? तो ये बेटा बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो देखो कैसे करना है इस तरह का क्वेश्चन, मैं फिर बता देता हूं, आराम से समराइज कर देता हूं। जब भी प्लेन मिरर चल रहा हो, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हो, तो आप सबसे पहले क्या किया करो बेटा, सबसे पहले तो आप क्या किया करो कि जो भी मिरर है और जो ऑब्जेक्ट है उसमें से मिरर को रोक दो। मिरर को रोकने का मतलब उसकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को उल्टे डायरेक्शन में दे दो। हमने मिरर को रोका, ऑब्जेक्ट को उल्टे डायरेक्शन में दे दी, 3 और 4 आ गया। इसके बाद जितनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की है उतनी इमेज को दे दो, करेक्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन में। बोले एक्स एक्सिस क्लियर, वाई एक्सिस में जैसी थी वैसी की वैसी दे दी, आपको आ गई स्पीड इमेज की मिरर के रिस्पेक्ट में। अब हमें बताया था ग्राउंड के फ्रेम में, तो ग्राउंड फ्रेम के लिए मिरर को वापस 2 से चलाना पड़ेगा, तो इसको भी 2 इधर देना पड़ेगा, 4 इधर था 2 इधर दे दिया, नेट 2 बच गया। और बेटा जब इन दोनों को दिया तो इसने क्या बिगाड़ा, इमेज को भी तो देना पड़ेगा, तो इमेज को भी 2 दे दिया। इमेज के पास 4 और 3 पहले से था, 2 और मिल गया, तो 3j cap - 6i cap। दिस इज हाउ यू विल डू द क्वेश्चन ऑफ स्पीड रिलेटेड क्वेश्चंस, बेसिकली ऑफ प्लेन मिरर्स। बोले ठीक है सर, वी आर क्लियर विद दिस। इफ यू आर क्लियर विद दिस बेटा, देन यू कैन प्रोसीड, अदरवाइज यू कैन पॉज द वीडियो और एक बार और देख लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, 4 बार देख लो। जब समझ आ जाए बेटा तभी आगे बढ़ा, तभी मजा भी है, तभी फायदा भी है क्लास का। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे, आप आगे बढ़ जाओ। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो बेटा, मैं जिस पार्ट के साथ आगे बढ़ने जा रहा हूँ ना, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, करेक्ट। अब मैं बात करने जा रहा हूँ बेटा स्फेरिकल मिरर्स की, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। अब मैंने प्लेन मिरर खत्म कर दिया, आधा पार्ट बेटा पार्ट 1 में डाल दिया था वीडियो में, पार्ट 2 में मैंने बचा कुछ प्लेन मिरर का निपटा दिया है। अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की, थोड़ा सा और ज्यादा फोकस के साथ, थोड़ा सा और ज्यादा एनर्जी के साथ बेटा इसको कवर करना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझ लें कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। मैंने कहा बिल्कुल समझाता हूं। तो बेटा देखो स्फेरिकल मिरर समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं बेटा, एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, ठीक है,
तो मैंने क्या किया, एक तो ले लिया स्फेयर, ग्लास स्फेयर, ठीक है, ग्लास स्फेयर जैसा कुछ ले लिया मैंने, कांच का गोला, और उसको मैंने क्या किया बेटा, दो तरफ से पॉलिश कर दिया, मुझे दो तरफ से पॉलिश कर दिया। मैंने कहा यस, दो तरफ से कैसे, देखो समझाता हूँ। एक तो मैंने बेटा क्या किया है ना, आराम से सुनना, ऐसे पॉलिश कर दिया, ठीक है, बोले ठीक है सर। और एक मैंने क्या किया बेटा, ऐसे पॉलिश कर दिया। तो कुल मिला के मैंने क्या किया, एक ग्लास फेयर को बेटा मैंने दो जगह से वो कर दिया, क्या कहते हैं इसे, पॉलिश। एक बार इसको बेटा इस तरफ थोड़ा सा वाइट कलर से दिखाते हैं, थोड़ा क्लैरिटी के साथ दिख जाएगा। और बेटा इसी तरह से यहां पर भी अगर देखेंगे तो यहां पर भी हमने पॉलिश कर दिया, करेक्ट बेटा। ये पॉलिश करने के बाद इससे जो कुछ भी टाइप का मिरर मिलेगा, मिरर होता क्या है, ग्लास का एक साइड पॉलिश होता है, तो हमने स्फेयर लिया एक और उसकी दोनों साइड पॉलिश कर दी, एक आउटर साइड और एक बार इनर साइड, और अब हमने बोला कि ये दो अलग अलग तरह के मिरर्स बन गए। तो इन दोनों मिरर्स को बेटा बोला जाएगा स्फेरिकल मिरर्स। अब ये दो तरह के हैं तो कैसे पता चलेगा दोनों में क्या डिफरेंस है, तो बेटा इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। बोले ठीक है सर, इसको क्या कहते हैं आप, कॉनकेव मिरर कहते हैं बेटा, कॉनकेव, करेक्ट बेटा। क्यों, क्योंकि अगर यहां पे खड़ा होकर देखूंगा तो मुझे एक केव जैसी दिखाई देती है, केव जैसी, इसलिए इसको कॉनकेव बोल दिया, ऐसे याद रखना। ये वाला बेटा दूसरा है, इसे हम कहते हैं कॉनवेक्स। कोई दिक्कत, बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी यही देख लेते हैं बेटा। ये जो लाइन बनाई है ना, ये जो लाइन, करेक्ट, जो कि इस मिरर के मिड पॉइंट से पास करती हुई जा रही है और जिस स्फीयर से ये बना है बेटा उसके सेंटर से पास करती हुई जा रही है, उसे हम कहते हैं PA, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो बेटा, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके अलावा बेटा ये जिस स्फीयर से बना है उस स्फीयर का जो भी सेंटर है उसे कहते हैं बेटा कैपिटल सी या सी, इसका मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, करेक्ट। आपको पता भी है, नाम से पता चला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब बेटा जिस कर्वेचर, जिस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर। बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा दिमाग से सुनना बेटा, इसके अलावा अगर हम बात करें लेट से इस पार्ट की, करेक्ट, तो बेटा ये जो डिस्टेंस निकल करके आता है, ठीक है ना, कौन सा डिस्टेंस बेटा, ये वाला डिस्टेंस, राइट, इसे हम कहते हैं बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोलोगे सर क्यों, अरे भाई कर्वेचर का रेडियस ना, जिस स्फीयर का पार्ट है उसके रेडियस को क्या बोल दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा बेटा ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये जो दो पॉइंट्स हैं, है ना, ये जो दो पॉइंट्स हैं बेटा, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं बेटा पोल, समझ गए, इसको क्या कह देते हैं बेटा, पोल कह देते हैं, कोई डाउट। और बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके लिए भी बना सकते हैं अपन, है ना, इसके लिए ऐसे बनेगा, कोई डाउट। बोले नहीं सर कोई डाउट नहीं है, अभी तक एकदम क्लियर है, यहां तक बात समझ आ गई। मतलब कुल मिला के अभी तक को मैंने कुछ ज्यादा नहीं बताया, मैंने कहा स्फेरिकल मिरर का मतलब एक स्फेयर से बनाया गया मिरर्स, कैसे, एक बार इनर साइड पॉलिश कर दी, एक बार आउटर साइड कर दी, जब आउटर करी तो केव जैसा बना तो उसको कॉनकेव बोल दिया, जब आउट इनर कर दी तो कॉनवेक्स बोल दिया। दोनों के ही जो सेंटर है, जिस स्फेयर के से मिल के बने हैं उसका जो सेंटर है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया, उस स्फेयर का जो रेडियस है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल दिया, और बेटा मिरर का जो मिड पॉइंट जैसा कुछ दिखाई दे रहा है इसे अपन ने क्या बोल दिया, पोल बोल दिया, और पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाला इनको प्रिंसिपल एक्सिस बोल दिया। बोले ठीक है सर, यहां तक हमको एकदम क्लियर कट समझ आ गया। कहने का मतलब यह कहना चाह रहे हो आप कि बेटा अगर ऐसा कोई मिरर है तो ये अपने पास कॉनकेव है, और बेटा अगर ऐसा कोई मिरर है तो ये फिर अपने पास कॉनवेक्स है। आप सर यही कहना चाह रहे हो ना, मैंने कहा यस बेटा मैं यही कहना चाह रहा हूं। बोले ठीक है सर, यहां तक क्लैरिटी आ गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये बेसिक वाइज स्फेरिकल मिरर्स का बेटा, अब आगे चलते हैं ना नेक्स्ट स्टेप पे, इसको प्लीज कॉपी कर लेना, ऑल्दो आई थिंक आपने कर लिया होगा अब तक, मैं आगे चलता हूं बेटा, है ना। देखो अब हम बेटा बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, देखो इसके ना लंबे चौड़े बहुत सारे रे डायग्राम्स होते हैं, हम काम के और एक ही डायग्राम में सबको करेंगे, बट आपके लिए उसको मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा बिल्कुल फोकस करके, राइट। सो लेट्स स्टार्ट, देखो आराम से समझना, ठीक है, आराम से। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, जब रे डायग्राम की ही बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बेटा हम किसकी बात करेंगे, एक हमारे पास है कॉनकेव, कॉनवेक्स, कॉनकेव उठा रहे सबसे पहले। कॉनकेव के लिए बेटा देखो मैंने क्या कहा, देखो रे डायग्राम बनाते हैं आराम से, बिल्कुल तंदरे दिमाग से, कोई अड़बड़ी नहीं है, ठीक। सबसे पहली लाइन लेते हैं बेटा, एक पैरेलल रे। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो पैरेलल रे है बेटा, इसको अगर हम देखेंगे तो ये किसी एक पॉइंट से पास करेगी। बोले सर वहां से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये जो पैरेलल रे जिस पॉइंट से पास करती है ना बेटा, पैरेलल रे जिस पॉइंट से पास करती है, ठीक है, देखो मैं बता रहा हूं आराम से, ये क्या थी पैरेलल रे,
ये जिस पॉइंट से पास करेगी बेटा, इस पॉइंट को बोला जाता है कैपिटल एफ। कैपिटल एफ बोले तो बेटा, कैपिटल एफ बोले तो फोकस। मतलब अब एक बात समझ आ गई कि फोकस इसका मतलब वो पॉइंट हुआ जिसके थ्रू एक पैरेलल रे पास कर जाए। मैंने कहा बिल्कुल, अगर कोई रे पैरेलली इंसिडेंट होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस को जहां भी कट करेगी बेटा वो फोकस मिल जाएगा। बोले सर कोई दिक्कत नहीं, बात सही है आपकी, हमें समझ भी आ गई। दूसरा पॉइंट हमने क्या किया बेटा, दूसरा पॉइंट हमने क्या किया, एक रे ली और अब की बार वो रे जो है ना बेटा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। आप बोलोगे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने कहा यस। तो बोले देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो बेटा यहां से जब ये रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट करने में क्या करेगी बेटा, ये अपने आप को रीट्रेस कर लेगी, रीट्रेस। अब बोलोगे सर क्यों, मैंने कहा ये 90 डिग्री पे गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। बोले हाँ, सेंटर से तो जो भी लाइन पास करती है वो 90 डिग्री पे गिरती है। अरे भाई 90 डिग्री पे अगर गिर रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो, इसलिए बेटा ये टकरा के वापस अपना पाथ रीट्रेस कर लेती है। बोले ठीक है सर समझ आ गया, मतलब जो भी रे पैरेलल होगी वो फोकस से पास करेगी, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी वो अपने आप को रीट्रेस कर लेगी। बोले सर कोई दिक्कत नहीं, यहां तक क्लियर है, सुनते जाना सुनते जाना। इसके बाद बेटा हमने एक रे ली और हमने कहा कि ये क्या करती है, फोकस से पास करती है। बोले फोकस से पास करती है, मैंने कहा यस। अब ये फोकस से जब पास करती है बेटा, तो हमने ये देखा कि फोकस से पास करने पे, फोकस से पास करने पे ये टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है, समांतर हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया अगर हम लोग एक और रे ले ली, करेक्ट, जो फोकस से पास करती है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है बेटा, पैरेलल हो जाती है। सो दिस इज हाउ वी कैन प्लॉट थ्री मोस्ट कॉमन रेज। अभी एक और डालेंगे इसमें, तो पहले पैरेलल फोकस से पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर रीट्रेस कर रही है, फोकस से पास करने वाली पैरेलल हो जा रही है। अभी तक का इमेज ट्रेसिंग क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट और देख लेते बेटा। बोले ठीक है सर देख लो, कोई इश्यू नहीं है। लास्ट वाले पार्ट की अगर बात करते बेटा, तो देखो अब की बार मैंने पोल पे इंसिडेंट कराई, पोल पे। तो बेटा पोल पे जब इंसिडेंट कराते ना, तो बेटा पोल पे इंसिडेंट कराने पे, ध्यान से सुनना, पोल पे बेटा इंसिडेंट कराने पे, ठीक, जो रेज है बेटा वो जितने एंगल पे गया था यानी आई, उतने ही एंगल पे वापस चले जाता है, यानी कि टकरा के एज इट इज वापस प्रोसीड कर जाता है। समझ गए बेटा, जहां ये सब मिल जाती है वहां पे अपने को क्या मिलती है सर, इमेज मिलती है, करेक्ट। ये क्या मिल गया बेटा अपने को, इमेज। अपन लिख दें यहां पे, देखो आराम से, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से करना है बेटा, है ना, आराम से। ये अपने को मिल गया बेटा इमेज, ये अपने को क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था ना इंसिडेंट रेज बेटा जहां टकराती है वो इमेज ऑब्जेक्ट बनता है, रिफ्लेक्टेड रेज जहां टकराती है वहां इमेज बनता है। तो दिस इज हाउ स्फेरिकल मिरर से बेटा इमेज कैसे बनती है वो भी पता चल गया, इमेज ट्रेसिंग भी पता चल गई, ये भी पता चल गया कि पैरेलल रे फोकस से पास करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रीट्रेस करती है, पोल वाली रिफ्लेक्ट कर जाती है एज इट इज सेम एंगल पे, और फोकस से पास करने वाली पैरेलल बन जाती है। तो आई होप बेटा इमेज ट्रेसिंग का पूरा पार्ट एक छोटे से पार्ट में हमने कवर कर दिया, और ये आपको 100% समझ आएगा। आई नो दिस, करेक्ट। इसे अच्छे से बेटा अपनी नोट्स कॉपी में बना लो, उसके बाद फिर मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर का बताता हूं, ठीक है, क्लियर। अभी हम सिर्फ इमेज ट्रेसिंग की बात कर रहे हैं, और इमेज ऑब्जेक्ट बनता कैसे है, और ये कंडीशन वही चल रही है, ऑब्जेक्ट बनता है इंसिडेंट रे से, इमेज बनता है रिफ्लेक्टेड रे से। बोले ठीक है सर यहां तक एकदम बढ़िया समझ आ गया, हम एक काम करते हैं, पहले हम वीडियो को पॉज करके खुद से इसकी इमेज ट्रेसिंग करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे। मैंने कहा ये अच्छा आइडिया बेटा आपका, आप ऐसे ही करो, वीडियो पॉज करो, पहले खुद से इसको ट्रेस करो, फिर वेरीफाई करना कि सही है कि नहीं, तो मजा आएगा, है ना, अच्छा लगेगा ना, अच्छा लगेगा, और क्या, बढ़िया लगेगा। बोले ठीक है सर शुरू करो। हेलो भाई, पहले सबसे पहले इसका क्या कर दें बेटा, पॉलिश, क्या कर दो, पॉलिश कर दो, कर दिया बेटा पॉलिश। इसके बाद बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले एक रे ली, फिर से वही वाली रेज लेंगे अपन, थोड़ा सा कलर भी वही उठाएंगे। सबसे पहले बेटा हमने क्या ले ली, एक रे पैरेलल ली। बोले ले लो सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमने एक रे पैरेलल ली, और बेटा ये जो पैरेलल रे है ये टकराने के बाद बेटा, टकराने के बाद ऐसे कहीं जाती है। बोले कोई दिक्कत नहीं है, पहले मैं एक साथ बना के दिखाते रहता हूं, ठीक है। तो देखो अगर कोई रे बेटा पैरेलल दी, तो बेटा वो टकराने के बाद जहां कहीं से भी जाएगी, अगर आपने उसे एक्सटेंड किया, तो बेटा एक्सटेंड करने पे कहीं ना कहीं से तो पास होती हुई दिखाई देगी ना बेटा, वो जहां से पास होती हुई दिखाई देती है बेटा उसे बोलते हैं फोकस। यानी पैरेलल रे जहां से पास होती हुई दिखाई देगी एक्सटेंड करने पे, ठीक है ना, पैरेलल रे रिफ्लेक्ट करने के बाद जहां से कट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को एक्सटेंड करने पे, उसे बोलते हैं बेटा फोकस। बोले ठीक है सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट, फोकस समझ आ गया। अच्छा एक चीज और बेटा, इसके अलावा अगर ध्यान से देखोगे तो मैं एक काम और करता हूं, नहीं कोई बात नहीं छोड़ो, इसी में बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनते जाना। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर से,
ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अगर कोई रे बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं होगा बेटा ना, एक मिनट रुकना, हाँ ठीक, हमने कोई एक रे ले ली बेटा जो कहां से पास करती हुई दिखाई देगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मतलब ये कि बेटा अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये फोकस से भी आगे कहीं, देखो यहां जगह नहीं है पर मैं आपको बता देता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलेगी। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बेटा मिलेगी है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाने वाली रेस तो क्या करती है, अपने आप को रिट्रेस कर लेती है। बोले ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर अपन बात करें बेटा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि लेट से हमारे पास तो कोई एक ऐसी रे है बेटा, हमारे पास क्या है, कोई एक ग्रीन कलर की ऐसी रे है जो क्या करती है बेटा, जो फोकस से पास होती दिखाई देती है। देखो मैं समझाता हूं कैसे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैंने कोई एक रे ले ली बेटा जो क्या कर रही है, फोकस से पास होते दिखाई दे रही है। मतलब ये फोकस से पास होते दिखाई देने का मतलब है कि इसे एक्सटेंड करने पे कहां से पास हो रही है बेटा, फोकस से पास हो रही है। तो बेटा ऐसी जो रे है ना, ये क्या करती है, ये टकराने के बाद वापस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। समझे बात को, यानी कि अगर कोई आपने एक ऐसी रे ले ली, राइट, ऐसी कोई रे ली बेटा जो कि फोकस से पास होते हुए दिखाई दे रही है, तो वो टकराने के बाद जो भी रे आएगी, रिफ्लेक्टेड रे जो आएगी, वो एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। बोले ठीक है सर, मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया, बस सब कुछ इमेजिनरी हो रहा है। यानी कि पैरेलल रे जब रिफ्लेक्ट करेगी तो फोकस से पास होती दिखाई देगी, कोई रे अगर फोकस से पास होती दिखाई दे रही पैरेलल बन जाएगी, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती दिखाई दे रहा है तो रिट्रेस कर लेगा। तो फिर सर उस हिसाब से तो अगर कोई रे हमने पोल पे गिरा दी, मैंने कहा यस, तो बोले तो सर फिर वापस ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, मैंने कहा यस बिल्कुल 100% कर जाएगी, कोई दिक्कत बेटा। यानी कि कोई भी रे अगर बेटा ऐसे इससे आप पास कराओगे तो ये वापस आपको रिफ्लेक्ट होकर दिख जाएगी। बोले ठीक है सर, हमें ये भी क्लियर हो गया एकदम 100%, राइट। तो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू बेटा। दोनों इमेज ट्रेसिंग हमने देखो एक ही स्लाइड में कंप्लीट कर लिए, आराम से दोबारा से नोट्स कॉपी चेक कर लो, प्रॉपरली लिखा है नहीं लिखा है वो देख लो, करेक्ट। और बेटा उसके बाद आगे बढ़ना है, राइट, उसके बाद आगे बढ़ना है। अब मैं धीरे धीरे बेटा काम की चीजें बढ़ाने लगूंगा, राइट, अभी मैं बेसिक्स कवर कर रहा हूं, धीरे धीरे काम की चीजें बढ़ने लगेंगे, ठीक है। आई नो ये थोड़ा सा लेंथी लेक्चर भी है, बीच बीच में लगता भी है कि सर कितना सारा रेज चल रहा है, कितना सारा, यही एक कारण है बेटा, दिस इज द ओनली रीजन कि स्टूडेंट्स जनरली इसमें गड़बड़ करते हैं, दिस इज द ओनली रीजन। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ना एनर्जी ब्रेक हो जाता है बीच में, जबकि ये चैप्टर ऐसा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले लो, ऑप्टिक्स ले लो, फिजिक्स जो ट्वेल्थ पार्ट है ना बेटा, उसमें सबसे बड़ा मेजर चैलेंज यही है, वरना कितना आसान है, कितने कम टाइम में कवर हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा मोनोटोनस रहता है, मोनोटोनस, तो आपको एनर्जी बनाए रखना एक टफ टास्क है, करेक्ट। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि पानी पी लो वीडियो पॉज करके, बट अपनी एनर्जी नहीं खोना बेटा, ब्रेक नहीं करना बीच में, राइट। तो अगेन रीट्रेस योर एनर्जी, करेक्ट, एंड देन विल स्टार्ट बैक, राइट। मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं बेटा, आप पॉज करके अपनी एनर्जी रीगेन कर लो। बोले ठीक है सर, हम आएंगे एनर्जी के साथ, मैंने कहा यस बेटा आ जाओ आराम से, राइट। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, अपने पास एक बेटा क्या है, एक कॉन्केव मिरर है, राइट। इसके अलावा बेटा अपने पास अगर देखें तो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस ये हमारे पास है। इसके अलावा मेरे पास क्या है बेटा, कुछ पैरेलल रेज है, कुछ पैरेलल रेज, ठीक, कुछ पैरेलल रेज, और बेटा कुछ और पैरेलल रेज, कुछ और पैरेलल रेज, कुछ और पैरेलल रेज। बोले सर क्या करना चाह रहे हो, मैंने कहा तसल्ली करो, समझा रहा हूं। मैंने क्या किया बेटा, मैंने ये कहा कि भाई मैं दो सेट ऑफ रेज है, एक जो पैरेलल तो है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है, इन्हें बोलते हैं बेटा मार्जिनल रेज, इन्हें क्या कहते हैं बेटा, मार्जिनल रेस, क्योंकि मार्जिन पे होती है, ठीक। दूसरा जो सेट है बेटा हमारे पास, दूसरा जो सेट है ये पैरेलल भी है और प्रिंसिपल एक्सिस के पास भी है, इन्हें बोलते हैं बेटा पैरेक्सियल रेस, पैरेक्सियल, क्योंकि एक्सिस के पास भी होती है और पैरेलल भी होती है। और बेटा हम पूरी ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में जो मानते हैं वो पैरेक्सियल रेस के लिए मानते हैं। क्वेश्चन कैसे आता, देखो समझाओ, दो क्वेश्चन जुड़े हुए यहीं पे, आपको बोलेगा कि भाई अगर अगर मैं बात करता हूं इनकी है ना, पैरेक्सियल रेस की, मार्जिनल रेस की, करेक्ट। तो पैरेक्सियल रेस की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये यहां से एक काम करता हूं ना, बना के दिखाता हूं प्रॉपरली, ये बेटा ऐसे ऐसे और बेटा ऐसे पास करती है, ये ऐसे ऐसे और बेटा ऐसे पास करती है। कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि ये यहां पे इंटरसेक्ट करती है, ये यहां पे इंटरसेक्ट करती है। मतलब ये कि मार्जिनल लेंथ की अगर फोकल लेंथ देखें तो ये निकल के आएगी, और अगर बेटा पैरेक्सियल रेस की देखें तो ये निकल के आएगी।
तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे रेज प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाती जा रही है बेटा, वैसे 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 जो भी बेटा ये फोकस है वो शिफ्ट होता जा रहा है, किस तरफ, पोल की तरफ, समझ गए। रेज जब ऊंच पे ऊपर गई, करेक्ट, तो प्रिंस जो फोकस है वो बेटा इधर शिफ्ट हो गया, प्रिंस पोल की तरफ, समझ गए मेरी बात को। यानी कि यहां से अगर कोई पूछ ले तो बेटा जो पैराग्जियल रेज होती है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मार्जिनल। सो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि भाई रेज ऊपर जाती जा रही है, फोकस का क्या होगा? आप बोलोगे फोकस आगे शिफ्ट होता जाएगा, कहां पे, पोल की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। बोले ठीक है सर, एक तो ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा बेटा ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एक्चुअल में ही प्रॉब्लम है, आप खुद सोचो ना कि एक से ज्यादा फोकस मिल रहा है। अरे भाई एक से ज्यादा फोकस अगर मिलेंगे तो इट्स अ चैलेंज, इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ आई वुड से, मैं क्या बोलूं इसको, त्रुटि बोलते हैं हिंदी में, राइट। अगर आप देखो कि बेटा इट्स अ चैलेंज, इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि ये, इसे क्या कहते हैं, मैं लिख के दिखाता हूं, एक मिनट रुको जरा। ये तो कई बार ना जो शब्द होते हैं ना जबान पे नहीं आते, यहां अटका हुआ है, ठीक है। देखो इसे बेटा हम कहते हैं स्फेरिकल एब्रेशन, स्फेरिकल एब्रेशन। बेटा स्फेरिकल एब्रेशन क्या है बेटा, इट्स अ प्रॉब्लम व्हेन देयर आर मोर देन वन फोकस राइट फॉर अ मिरर ड्यू टू मार्जिनल रेज। तो मार्जिनल रेज के कारण बेटा जब एक से ज्यादा फोकस हो जाता है, करेक्ट, तो ये जो प्रॉब्लम आती है बेटा, ये जो चैलेंज आता है, ये जो कहानी है, इसी को क्या कह देते हैं, स्फेरिकल एब्रेशन कह देते हैं, समझ गए। तो दो सवाल पूछे जा सकते हैं, एक तो भाई जैसे जैसे रेज मार्जिनल होगी फोकस का क्या होगा, पोल की तरह शिफ्ट होगा। कोई पूछ ले मार्जिनल और पैराग्जियल में से किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, पैराग्जियल की ज्यादा होगी, इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल एब्रेशन बोल सकते हैं। और आपसे लास्ट में यह भी पूछ लेगा कि इसका सोल्यूशन भी बता दो ना, जब इतनी बात कर ली तो, मैंने कहा बिल्कुल बता दूंगा। इसका जो सोल्यूशन है बेटा स्फेरिकल एब्रेशन को खत्म करने का, द ओनली बेस्ट सोल्यूशन इफ आई से दैट इज यूज ऑफ पैराबोलिक मिरर्स। बेटा पैराबोलिक मिरर्स की अगर यूज करोगे आप स्फेरिकल की जगह, तो आपको एक सिंगल फोकस मिलेगा। मैथ्स वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे से चीज जानते हैं, करेक्ट। तो पैराबोलिक मिरर्स का बेटा यूज करोगे तो देयर वोंट बी एनी स्फेरिकल एब्रेशन इन द मिरर्स, इट विल बी फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एब्रेशन। या फिर जो बेटा एजेस है ना, एकदम एजेस, उनको आप कवर कर दो ब्लैक पट्टी से, तो जब एरिया ही थोड़ा सा छोड़ दोगे तो सारी पैराग्जियल बन जाएंगी, तब भी ये बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, बट इसको अच्छे से नोट्स कॉपी बना के लिख लेना, थोड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट चीज है, डिफरेंट चीज है आपके लिए, राइट। सो विद दिस बेटा मैं पार्ट टू को यहीं पे रोकना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब जो मैं स्टार्ट करूंगा ना, इट विल टेक मोर टाइम, तो फिर ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा, करेक्ट। और मैं नहीं चाह रहा कि आप एक साथ बैठ के दो दो घंटे का पार्ट देखो, मैं चाह रहा हूँ आप आराम से आधा घंटा, पौन घंटे, 40-50 मिनट के वीडियोज देखो, ताकि आप उसे एब्जॉर्ब कर पाओ और उसके साथ साथ आप उसको रिवाइज कर पाओ, करेक्ट। तो बेटा आप वीडियो को यहीं पे हम खत्म करने जा रहे हैं, क्लास को कंक्लूड करते हैं। आप प्लीज अच्छे से बेटा अभी तक जितना पढ़ाया उसको ढंग से रिवाइज करना, तभी आपकी और मेरी दोनों की मेहनत काम आएगी, राइट। और बेटा पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, ना मैं रुकूंगा ना आप, करेक्ट। टाइम टफ है आई नो, बट बेटा हमें हार नहीं माननी है, विल कंटिन्यू टू स्टडी द वे वी स्टडी, इनफैक्ट हम और तेज दौड़ेंगे और जान लगा के पढ़ाई करेंगे, और बेटा पूरी एनर्जी के साथ लगे रहेंगे टिल द एंड, राइट, जब तक एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ जाता, क्लियर। एंड विद दिस आई टेक अ बाय। इफ यू लाइक द वीडियो, आपको लगे अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छी अच्छी बातें की सर ने, तो डू प्रेस द थम्स अप। आपको लग रहा है यार वीडियो अच्छा था, काफी बेसिक्स कवर किए हैं, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, उन्हें भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, राइट, और मुझे भी अच्छा लगेगा, करेक्ट। एंड स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय माई फ्रेंड्स।